पालीताना की हजारों सीढ़ी चढ़ के भगवान के दर्शन करना बहुत आसान है, पर अपने भाई जिनके साथ हमारा कोई वैर हुआ है, झगड़ा हुआ है, उसके यहाँ की एक सीढ़ी चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा ही किस्सा मैं एक बार जब जबलपुर स्वाध्याय सेवा देने गया, वहाँ पे पर्युषण के दौरान संवत्सरी के दिन जब प्रवचन पूरा हुआ, उसके बाद जो संचालन करने वाला भाई था वो उठा, और उठने के बाद मेरे को तो लगा कि वो नॉर्मल जैसे औपचारिकता चीज़ें होती है वो बोलेंगे, पर जब वो बोलना शुरू करे उससे पूरा जो क्राउड था रोने लग गया। उनका और उनके चाचा के परिवार का कुछ आपस में झगड़े हो गए थे, फैमिली क्लैशेस हो गए थे कुछ टाइम पहले, और जिन लोगों के साथ वो बचपन से खेले हैं कूदे हैं वो उनके साथ मुंह भी नहीं देख रहे थे। इनफैक्ट 8 दिन जब पर्युषण में आ रहे हैं तो दोनों फैमिली से एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख रही थी। उन्होंने ये पूरा वारदा पूरे भर सभा में हर जन को सुनाया, मेरे और मेरे चाचा के परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और आज मैं संवत्सरी के दिन ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, मैं पूरी भर सभा में नतमस्तक हो रहा हूँ, क्षमा याचना करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वैर की घाटे बीच में आ गए इसने दो परिवारों में बहुत दूरी कर ली है, और उन्होंने पूरे रोते रोते पूरे क्राउड के सामने पूरी ऑडियंस के सामने उनके चाचा जी से क्षमा याचना करी, दिल खोल के संवत्सरी मनाई है, और पूरी भर सभा में हर जन अश्रुधारा भरा रहे थे, हम वहाँ पे बैठे थे हमारे आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। ये वारदा हमें सिखा रही है कि ये एक्चुअल संवत्सरी है, भले ही आपने मास्कमण 28 55 कुछ नहीं करे हो, पर संवत्सरी ट्रू मनाने का एसेंस ही यही है कि जहाँ हमने उन परिवारजनों से, उन सगे संबंधियों से, उन भाइयों से जिनके साथ हमारा कुछ गलत हो गया है, उनके साथ हमने क्षमा याचना करी। तो आइए हम भी ऐसी ट्रू संवत्सरी मनाएंगे और इस पर्युषण में कुछ रेवोल्यूशन, कुछ क्रांतिकारी करके दिखाएंगे।